मुल्क में महंगाई का तूफान, आम शहरी परेशान। अशिया जुरिया की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को जगड़ लिया। फल और सब्जियां पहुंच से दूर, प्राइस कंट्रोल कमेटी की रेट चैलेंज, सरकारी नरखनामे नजरअंदाज। मुनाफाखोर बेलगाम, पाकपतन में एलपीजी सिलेंडर 38 रुपए महंगा, पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। गरीब आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी। आवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा। सादिकाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। 200 से ज्यादा लीटर गैर मायारी दूध, 40 किलो मुजर सेहत मिठाई बरामद। खाने की अशिया में जालसाजी करने पर मालकान पर भारी जुर्माने आए। माहे रमजान में पकोड़ों का सदियों से चोली दामन का साथ है। पकोड़ों के बगैर अफ्तार का दस्तरखान अधूरा है। मीठी ईद नजदीक आते ही रिवायती सौगात के स्टॉल सजना शुरू। भेनियों की मांग में जबरदस्त इजाफा, दुकानदारों ने नर्ख भी बढ़ा दिए। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों की रौनकें दुबला हो गई। बच्चे, खवातीन, मर्द सभी ईद की खरीदारी में मसरूफ। दूसरी जानिब शहरी बढ़ती महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं। ईद की शॉपिंग चूड़ियों के बगैर अधूरी। रंग बिरंगी चूड़ियां खवातीन की तवज्जो का मरकज, दुकानदारों के वारे नारे। और ईद उल फितर में कुछ रोज बाकी, पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा। दुकानदारों ने भी ईद के लिए पेशावरी चप्पलों के नए डिजाइन मुतारिफ करा दिए।